वर्तमान मंगल आरती कार्यक्रम धीरे धीरे आरंभ हो घंट बाद्य दीपर ताले ताले भगवान को मध्य आवाहन करा जाए हे प्रभु तुम्हें उठि जाओ एवं तुम जो भक्त मैंने से मैंने तुमको चर्मचक्षी देखिए और जो रही आपण को लेकिन संपर्क से संपर्क ये हूँ विशेष मुहूर्त आप राम मंदिर सीधा सड़क चित्र देखि पार्टी जी कि भाव वर्तमान मंगल आरती कार्यक्रम आरंभ हो जाए घंट बाद्य रे वर्तमान मंदिर गोटे प्रकार प्रकोपित हे एवं आउ किसी समय भक्तों समागम हे ये हनुमान वाटिकार ये हूँ सीधासड़ चित्र राम मंदिर परिसर वर्तमान राम मंदिर रे मंगल आरती कार्यक्रम आरंभ हो सारी वर्तमान घंट बाद्य प्रकम्पित हो राम मंदिर सीधा सड़क चित्र देखते राम सहित माता सीता भाई लक्ष्मण एवं भक्त हनुमान समस्त को आवाहन कर जाए राम नाम आगरे निजे स्वयं प्रभु मध्य असहाय। ये देखिए हमारे ब्रह्म मुहूर्त का पावर है, 4 बजे सुबह भोर में उठिए है ना, स्नान ध्यान करके श्री हरि का कृपा राम का नाम लेते हुए मंदिर का द्वार खोजिए, खोल कर अपना पूजा चालू कीजिए, आरंभ कीजिए मंगल आरती का आनंद लीजिए। और मंगल आरती करते हुए ध्यान इधर उधर कहीं नहीं भटकाना है, सिर्फ राम भगवान का नाम का जप करते हुए मंगल आरती करेंगे, उनके मंत्र का द्वारा आवाहन करके आरती करेंगे कि हमें आत्मनिर्भर से संतुष्ट होने का जीवन भर वरदान देने का श्री रामचंद्र भगवान अपना आशीर्वाद सब भक्तों पर बरसाए रखे। जितने भी हनुमान बाटका हैं रावल किला के जितने क्षेत्र है ना, देखिए जैसे इंसान को उठाते हैं उस तरह से इनका ज़्यादा प्रक्रिया है। इंसान को 10 बार उठाना पड़ता है, बल्कि भगवान को मन में एक ही बार पट खोल दिए, भगवान का स्मरण कीजिए, वो भगवान स्वयं उठ जाएंगे। फिर उनको उठाने के बाद में स्नान ध्यान करवा कर ड्रेस चेंज कर कर और पुष्प विसर्जित कर कर चंदन उंदन लगा कर मन में जो भक्त हैं उनका जो पुजारी या भक्त हैं वो उनका मन में ध्यान करेंगे, ध्यान करते हुए राम भगवान का ध्यान करते हुए उनको भोग लगाएंगे, भोग लगाकर उनका मंगल आरती करेंगे। जैसे आप राम मंदिर की पुजारी जी हैं, कुछ अनुभव उनके साथ? जी जी हमारे साथ तो बहुत अनुभव है, क्योंकि कहीं पे भी आप जाके बैठेंगे घर में रहेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा है ना। जब अब राम दरबार में आएंगे या कहीं पे भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको संतुष्टि नाम होगा है ना, आत्मनिर्भर से लगेगा कि हम तो स्वर्ग में आके बैठे हुए हैं। तो ये अनुभव होता है हम लोग को, और हम लोग यहाँ से श्री राम भगवान को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं हम लोग, इन लोग का पूजा पाठ हम लोग करते रहते हैं, हमें सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हुए पूजन पाठ करते हैं। और अब प्रभु जी का कृपा आशीर्वाद अब इनका है। प्रभु श्री राम का जो नीति नियम होता है पूजा पाठ का क्या क्या होता है, कैसे होता है? ये श्री रामचंद्र भगवान जी का जो नीति नियम है पूजा पाठ का ये बहुत ही अलग है ना, क्योंकि आपको सदा ही वैष्णव रहना पड़ेगा, इसमें कुछ बाहरी चीज़ का जलपान नहीं करना पड़ेगा, बाहरी शरीर शुद्धि पहले रहे, पहले आप कंचन काया बनिए शरीर से तो ही आप प्रभु के दरबार में लगिए। ये नहीं कि हम कुछ और पा रहे हैं अब इधर आएंगे तो कहाँ आपका कटेगा, कुछ नहीं, छल कपट नहीं करना है, उससे दूर रहना है। और प्रभु की कृपा तो हर भक्तों पे दर्शाए रहते हैं, और इनका कृपा तो है कि भक्त हमारा स्वयं
शुद्धता रहे, सदा पवित्र रहे, अच्छे कार्य करते रहे और दूसरों को भी करवाते रहे, तो वही